दोस्तों मैशी रसोई में आज बनने वाली है एक बहुत ही शानदार रेसिपी, जिसे आप चाहें तो समर में बनाएं और आप चाहें तो विंटर में बनाएं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होगी और इसे फ्रेंड्स हम गेहूं के आटे और कच्चे आलू के साथ बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये टाइम सेविंग भी होने वाली है, टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, लुक बहुत बढ़िया है और क्रिस्पी तो इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ 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 अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की बहुत ही मज़ेदार और एकदम नई रेसिपी हम कच्चे आलू के साथ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने दो बड़े साइज के कच्चे आलू ले लिए हैं और आलूओं को अच्छे से बस छील लिया है और उसके बाद मैंने लिया है ये काफ़ी ठंडा पानी। और अब आ लिए फ्रेंड्स आलू को ग्रेट करने की, और इसके लिए आप जो ग्रेटर इस्तेमाल करें ना, अगर मोटा वाला लेते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, और वरना जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही अमेजिंग है और इससे पहले आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया होगा, और अगर इस बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे क्योंकि टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसे आप जब ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे शाम को चाय के साथ बना सकते हैं। तो बस ये आलू ग्रेट होकर तैयार हुए हैं। अब ये जो हमने ठंडा पानी रखा था ना, इस पानी में ये आलू डाल देंगे और दो तीन पानी से आप अच्छे से वॉश कीजिए। हमें करना क्या है, आलूओं का जो स्टार्च है ना उसे लॉक करना है। आलू का स्टार्च लॉक हो जाएगा तो फ्रेंड्स रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और अब देखिए जो आलूओं को में पानी था वो बिल्कुल भी धुंधला नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। तो अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे और आलूओं को हल्का सा निचोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कस के नहीं निचोड़ना है। और इसके साथ ही हमें ज़रूरत होगी दो प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्चें, एक लहसुन। अगर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। और सब चीज़ों को अच्छा बारीक बारीक सा कट कर लिया है, तो बस सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। और अब बारी है नेक्स्ट प्रोसेस से, तो उसके लिए हमने जो आलू को हल्का सा निचोड़ के रखा था, और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि स्टार्च ख़त्म हो जाने की वजह से आलू का जो लच्छा है ना मोटा मोटा भी है और खिला खिला भी है। तो बस अब इसमें ये प्याज डाल दिया, साथ ही टमाटर भी डाल दिए और ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल दिए। काफ़ी चटपटी सी और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनने वाली है। और ये गया फ्रेंड्स हरा धनिया, अब गया टेस्ट के हिसाब से नमक, और उसके साथ ही 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, जिससे बस कलर अच्छा आ जाएगा। और ये गया 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, और जीरे को हल्का सा हाथ पे रब करके डालें जिससे पूरा अरोमा निकल के आएगा। और ये गई कसूरी मेथी, उसे भी हाथ से क्रश कर लिया। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना बेसन। हाँ फ्रेंड्स बेसन आपको आधा कप ही लेना है, बहुत ज़्यादा बेसन ना लें वरना आलूओं का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ बेसन का टेस्ट आएगा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एकदम गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसका बैटर आप समझ सकते हैं कि जैसे चीले का या पकौड़े का बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको गाढ़ा रखना है। और ये लीजिए एकदम बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया है। अब बारी है रेस्ट पे रखने की, बेसन को फूलने में 10-15 मिनट का समय लग जाएगा, तो चलिए इसे तो साइड से कर देते हैं। अब हम करते हैं गेहूं के आटे की तैयारी। तो बस उसके लिए मैं 1 कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा लूंगी। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे मैदा से बना सकते हैं या आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा से बना सकते हैं, और गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो हेल्दी ऑप्शन है। उसमें गया टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये लिया मैंने 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन। अजवाइन के साथ ही एक बढ़िया से खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, और ये गया 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। इस और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद एकदम नॉर्मल पानी ले लिया और उससे हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। इसका डो आपको ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, जैसे नॉर्मली हम पराठों जैसा डो रखते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाना है। तो बस इस समय तो डो लगाया, और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसे एक साइड से करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा डो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, और ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, डो बढ़िया सा सेट हो गया है। पहले तो हमने डो को अच्छे से नहीं मसला था, और हम डो को बिल्कुल अच्छे से मसल लेंगे।
तो ये लीजिए डो को मैंने एक मिनट तक अच्छे से मसला। अब हाथों को कर लिया थोड़ा सा चिकना और जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने डो बॉल ले लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसे वैसे ही बड़ा कर लिया। और उसके बाद लिया बेलन और बेलन से हम इसे बिल्कुल पतला सा और एकदम बड़ा सा बेलकर तैयार करेंगे। शेप मैटर नहीं करती है, बस आप इसे बड़ा सा और जितना पतला बेल पाएं उतना पतला बेलकर तैयार कर लें। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं या सूखी मैदा लगा सकते हैं, बस आपको जो बेलना है ना वो पतला सा और बड़ा सा बेलना है। और ये लीजिए काफ़ी बड़ा सा बेलकर तैयार है। अब मैंने लिया कुकिंग ऑयल जिसपे इस तरीके से इसे चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे और ये सारी लेयर आपस में स्टिक ना हो उसके लिए कुकिंग ऑयल भी अच्छे से लगाएंगे और ये थोड़ी थोड़ी सी हम सूखा आटा डस्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा होगा कि लेयर आपस में चिपकेंगी नहीं। और उसके बाद नाइफ लिया और एक इस तरीके से कट लगा दिया है 1/4 हिस्से में और राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो लेयर आएंगे ना वो बहुत ही मज़ेदार आएंगी। तो जो प्रेस करने का तरीका है वो भी आप देख सकते हैं कि पूरा उठाया इस तरीके से नीचे को दबा दिया और जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसे थोड़ा नीचे को टक कर देंगे। और ये देखिए इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरा बना लेते हैं। उसके लिए फिर से डो बॉल लिया और उसे भी खूब बड़ा सा और खूब पतला सा बेल कर तैयार कर लिया। फ्रेंड जब कभी आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें ना पहले एक बार सारे पेड़े बना कर रख लें, वरना पेड़े बनाने में थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। फिर अच्छे से ग्रीस कर लिया और फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और ये प्रोसेस आप हल्के में ना लें, सूखा आटा ज़रूर लगाएं वरना सारी लेयर आपस में चिपक जाएंगे। और फिर से राउंड राउंड घुमाना शुरू कर दिया और ये देखिए एकदम गुलाब के फूल जैसा ये लगता है देखने में। और अब आप इसकी लेयर देखिए, ये सारी लेयर हमारे इस मज़ेदार पराठे में कह लीजिए या नाश्ते में आने वाली हैं। तो बस अब बारी है फ्रेंड्स बेलने की। अब आपको इसे जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से आप इसे बेलकर तैयार कर लीजिए। अब आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जैसे बिल्कुल नॉर्मल पराठा बेलते हैं उतना बड़ा आप बेल लीजिए। और ये लीजिए एक बेलकर तैयार हो गया है। तो अब आ रही है दूसरे को बेलने की। तो इसे तो साइड से कर देते हैं, थिकनेस भी आप देख सकते हैं। हल्का सा प्रेस किया, सूखे आटे में डस्ट किया, बेलन के साथ में बेल लिया और ये लीजिए हमारा दूसरा ये पराठा भी बिलकर तैयार है। और अब आ रही है फ्रेंड्स इस बहुत ही मजेदार और एकदम अलग से नाश्ते को सेकने की। सेकने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर एक भारी पैदे का तवा रख दिया है और तवे को कर लिया एक बार अच्छे से ग्रीस। आपको इसे जो सेकना है ना मीडियम से लो फ्लेम पर सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इसे ना सेकें। अगर आप नॉर्मली पराठे को 30 सेकंड सेकते हैं एक तरफ से तो आप इसे 40 से 45 सेकंड सेकें और जब ये पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देने लगे उस समय आप इसे टर्न कर दें। और ये देखिए पराठा हल्का हल्का सा सेक चुका है और हमने वो जो आलू और बेसन का बैटर रखा था ना वो भी बढ़िया सा आराम कर चुका है। अच्छे से हमारा ये बेसन फूल कर सेट हो गया, इसमें सारे मसाले हैं, बहुत ही टेस्टी है। और आप देखिए दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा सेक चुका है। अब बारी है इसे एकदम यूनिक टेस्ट देने की, टेक्सचर देने की। तो बस इस तरीके से आप 2 टेबलस्पून जितना बैटर लीजिए और पराठे के ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। और फ्रेंड्स इसे फैलाने में तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके पराठे को जो यूनिक टेस्ट देने वाला ना है वो यही स्टफिंग देने वाली है। इसे कह सकते हैं कि स्टफिंग हमने ऊपर लगा दी है, अच्छे से ऑयलिंग कर दी। आप चाहें तो देसी घी लगा सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। और उसके बाद बारी है टर्न करने की। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा इसलिए टर्न करने में भी कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। और बस इस तरीके से उलट पलट कर अच्छे से हम सेक लेंगे और फ्लेम को कर दीजिए एकदम स्लो और करीब 1.5 मिनट तक आप बेसन वाली साइड से अच्छे से इसे सिकने दें, तभी आपका पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही करारा बनेगा। और ये देखिए क्या बढ़िया गोल्डन कलर आया है। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर सेका तो फ्रेंड्स इसमें काली काली सी चकतियाँ आ जाएंगी जो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए फ्लेम पर ज़रूर ध्यान रखें। और ये लीजिए सेम प्रोसेस से दूसरा भी बना लेते हैं। और ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। ये लीजिए एकदम नए तरीके से हमारा ये नया सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, जिसे मैंने तो सर्व किया है हरे धनिये की चटनी, टमाटो केचप और फ्रेश दही के साथ।
अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें, फेसबुक पर देख